खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे किसानां दा समर्थन पंजाबी कलाकार वध चढ़ के कर रहे ने। इना ही नहीं, कलाकार सोशल मीडिया राहीं किसानां दे हौसले नूं बुलंद कर रहे ने। हुण पंजाबी अदाकारा मोनिका गिल ने अजिहा कदम चुक्या है जिसकी चर्चा चारे पासे हो रही है। दरअसल कल की बेसिट्टा हुई मीटिंग तो बाद मोनिका ने किसानों के हकों लिए वड्डा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया से अंबानी के सारे ब्रांड्स का बाइकाट करने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया से काफ़ी तस्वीर साझिया की हैं जिन्हों में अंबानी के वक्रे वक्रे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं। कमेंट करके लोग भी मोनिका गिल के इस कदम की शलाघा कर रहे हैं। इस तो पहले की गल करिए पंजाबी कलाकार शुरू तो ही किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े ने। अज भी असं देखते हैं कि दिल्ली विखे चल रहे किसान अंदोलन में रोजाना अणगिणत पंजाबी कलाकार पहुँच रहे हैं। जिन्हां कलाकारां दा कदे आपस विच विवाद सी ओह कलाकार भी एक मंच ते इकट्ठे हो रहे ने, किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद कर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। केंद्र सरकार ते किसानां विचाले शुक्रवार नूं 3 घंटे चली 8वें दौर की बैठक भी बेसिट्टा ही खत्म हुई। हुण 15 जनवरी नूं 9वें दौर की अगली बैठक होगी। 8वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों नूं कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दिता। बैठक तो बाद किसान आगू हनान मुल्ला ने कहा कि खेती कानून किसान विरोधी ने। 11 जनवरी को किसान जथेबंदियों की बैठक होगी। सरकार नाल मुलाकात तो बाद किसान आगू बोले 15 जनवरी को सरकार वालों मुड़ बैठक बुलाई गई है। सरकार कानूनों में सोध की गल कर रही है पर असी कानून वापस लैण तो इलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करांगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को साड़ी परेड योजना अनुसार होगी। इस तो पहले 4 जनवरी को हुई बैठक के बेनतीजा रहने तो बाद यह अहम बैठक है। सरकार ने 30 दिसंबर को 6वें दौर की गलबात किसानों की बिजली सबसिडी और पराली साड़न संबंधी दो मंगां नूं मान लिया सी।